गाइस वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मंचूरियन। एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी इंडो चाइनीज रेसिपी है जो आप किसी भी पार्टी में स्टार्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने पत्ता गोभी ग्रेट कर ली है, फूल गोभी, गाजर, जो हरा प्याज होता है वो, और थोड़े से फ्रेंच बीन्स। प्रपोर्शन में मैंने ये दो कप लिया है जो पत्ता गोभी है, बाकी का प्रपोर्शन आप जैसा आप चाहें डिसाइड कर सकते हैं। केवल पत्ता गोभी के भी ये बनते हैं, ट्रेडिशनली तो एक्चुअली केवल पत्ता गोभी के भी बनते थे, पर धीरे धीरे लोगों ने और वेजिटेबल्स भी डालना शुरू कर दिया, तो आप बाकी कोई सी भी सब्जियाँ इन किसी भी प्रपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं, पत्ता गोभी ज़्यादा लें। इसके अलावा मैंने यहाँ ली है कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये जो पत्ता हरा प्याज है इसे मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने अलग निकाल के रखा है। नमक लिया है एक छोटी कटोरी, कॉर्न स्टार्च एक छोटी कटोरी, मैंने मैदा लिया है, काली मिर्ची का पाउडर, चिली पेस्ट, चिली सॉस जो थाई चिली सॉस आती है, और सोया सॉस लिया है और तेल लिया है। तो सबसे पहले मंचूरियन बनाने के लिए हमें इन सब सब्जियों के को ऐसे छोटे फ्राई बॉल बनाने पड़ेंगे। तो हम एक बड़े कटोरे में सारी सब्जियों को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियां मैंने इस कटोरे में डाल दिए हैं, इसमें हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार जितना हम उस बॉल्स में डालना चाहते हैं, और नमक डाल के हम इसे मिक्स करके करीब 2 मिनट ऐसे ही रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये पानी छोड़ देगा और वो एक्सेस ऑफ पानी हम छान के निकाल लेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है नमक, इसे हम साइड में रख देते हैं 2 मिनट के लिए। ये ग्रेटेड सब्जियों को मैंने करीब 2 मिनट तक नमक के साथ रखा है, अब हम इसका पानी हाथ से निचोड़ के निकाल लेंगे। देखिए एक्सेस ऑफ सारा पानी हमने निकाल दिया है और ये जो सूखी हुई सब्जियां हैं इस तरह यहाँ डालते जाएंगे। सब्जियां हमने इनका पानी निकाल दिया है, ये देखिए पानी, इसे मैं साइड में रख दूंगी, इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब इसके हमें बॉल्स बनाने हैं, तो इसमें हम एक ये जितना भी मैदा है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कॉर्न स्टार्च भी उतनी ही अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे यहाँ मैंने, और इसमें हम थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन, नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, सोया सॉस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और याद रखें सोया सॉस में भी नमक होता है, और ये चिली सॉस डालेंगे, आधी चम्मच करीब मैंने चिली सॉस भी इसमें डाल दी है। अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। हमने देखिए आटा लगा दिया है, हमने पूरा कॉर्न स्टार्च और मैदा जो हमने कप में लिया था वो पूरा हमने डाल के इसे इतना टाइट गूंध लिया है, हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये पानी इस सब्जियों में से ही निकला है उसी से गूंधा है। तो अब हम तेल हमने गरम करने रख दिया है, अब इसकी हम छोटी छोटी यूनिफॉर्म साइज़ की बॉल बना लेंगे और एक एक करके इन बॉल्स को हम इसमें तेल में छोड़ देंगे। ये देखिए ये बॉल्स मैंने फ्राई किए हैं मीडियम से हाई फ्लेम पे, करीब 10 मिनट लगे ये कलर आने में, आप भी इस कलर तक फ्राई करें जब तक ऊपर का कलर एकदम ब्राउनिश हो जाए, और ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो ऊपर का जलने लगेगा अंदर का कच्चा रहेगा, इसीलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। एक्स्ट्रा तेल मैं निकाल दूँगी और इसी तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे।
ये बॉल वेजिटेबल बॉल्स मैंने बना के साइड में रख दिया है। यहाँ एक अलग पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है, तेल ऑलरेडी गर्म है। इस टाइम पे हम ये जो ग्रेटेड अदरक, लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, ये जो हरा प्याज है, ये सब साथ में ही डाल देंगे। थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसको हमने करीब हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई किया है। अब इस टाइम पे हम सॉस डालेंगे, चिली सॉस। सोया सॉस नमक डालेंगे स्वादानुसार। याद रखेंगे सॉस में, दोनों सॉस में नमक है तो ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी। काली मिर्च पाउडर डालेंगे और ये जो पानी हमने निकाल के रखा था सब्जियों का, ये भी डाल देंगे। अब इसे हम बॉईल होने देंगे। ये सॉस हम मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर रहे हैं। इस टाइम पे एक अलग कटोरी में मैंने ये थोड़ा एक चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और ये पेस्ट हम इमिजिएटली इसमें डाल देंगे। ये जो सॉस हमारी बॉईल हो रही है इसमें इससे हमारी सॉस थोड़ी थिक हो जाएगी। इसे हल्का सा बॉईल होने देंगे और हमारी सॉस रेडी है। देखिए सॉस अब अच्छे से थिक हो गई है। इस टाइम पे हम ये बॉल्स ड्रॉप कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से कोट होने देंगे। और ये मंचूरियन अब सर्व करने के लिए रेडी है। वेजिटेबल मंचूरियन रेडी है। इसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ हरा प्याज जो था वो इसके ऊपर गार्निश करने के लिए डाला है। इसी तरीके से सर्व करें गर्मा गर्म। बहुत ही यमी स्नैक है ये, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।